स्टूडेंट्स आज हमें देखना है क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो मार्जिन हम लोग लेते हैं या जो कमी रह जाती है कमियां रहती हैं त्रुटियां रहती हैं मेजरमेंट में उनके बारे में कैसे उन्हें ओवरकम करना है और कैसे राउंड ऑफ करना है डाटा को इसके बारे में हमें देखना है तो सबसे पहले ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट्स इन्वॉल्व सर्टेन डिग्री ऑफ़ एरर जितनी भी मेजरमेंट्स हम लोग करते हैं चूंकि अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ एरर उसमें रह ही जाती है बहुत माइन्यूट सी जीरो पॉइंट जीरो 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 वन करके भी लेकिन कुछ ना कुछ एरर रहती है द एरर्स विच एराइज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स अब एरर जो होती है वो दो वजह से होती है एक या तो स्किल या एक्यूरेसी ऑफ वर्कर करती है वर्कर जो है हमारा उतना स्किल नहीं है उतना एक्यूरेट मेजर नहीं कर पा रहा है या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं हो ठीक है तो दो ही चीजें हैं जिनकी वजह से एरर आती है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नोटेशन जो हम लोग डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसे उस रिप्रेजेंटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेन की पावर में देखते हैं इसे बिकॉज ऑफ सो मैनी वेरी लार्ज नंबर्स प्रेजेंट इन केमिस्ट्री वी यूज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म एन इंटू टेन दावर स्मॉल एन वेयर स्मॉल एन इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू द कैपिटल एन कैन वेरी बिटवीन वन टू टेन एग्जाम्पल लेते हैं टू थ्री टू पॉइंट फाइव तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे पॉइंट को जो है वो टू के एक डिजिट के बाद लगाएंगे टू पॉइंट थ्री टू फाइव जीरो एट और चूंकि पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो हमने टू पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया है इसलिए इसे टेन डी दी पावर टू में कन्वर्ट कर देंगे टेन टू दी पावर टू का मतलब है हंड्रेड अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें हंड्रेड से तो वापस हमें टू थ्री टू पॉइंट फाइव तो टेन की पावर में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन और यहाँ पर अगर हम देखें तो टू पॉइंट थ्री टू फाइव जीरो एट जो है ये कैपिटल एन है और टेन की पावर जो टू है ये टू जो है ये हमारा स्मॉल एन है नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेन साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन जो है नॉर्मल इंडाइसिस के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है जो एक्सपोनेंट रूल्स हैं हमारे उनके अकॉर्डिंग होती है सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो डिजिट्स को अलग मल्टीप्लाई करते हैं और टेन की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होने पर क्या होगी जुड़ जाएगी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ जाएगी अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं कि सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन जो है वो लार्जर नंबर का रहेगा ठीक है नेक्स्ट डिवीजन डिवीजन में भी हम क्या करते हैं पहले पावर मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न दोनों में हम क्या करते हैं पावर सेम कर लेते हैं अगर सेम नहीं होती है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में हमें टेन की पावर जो है वो सेम चाहिए होती है एडिशन इसके बाद नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन जैसा इमेज में आपने देखा उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे सिंपल एग्जाम्पल्स है सिंपल मैथमेटिक्स है इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक फिगर्स साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी देयर आर सर्टन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब वो अंक जिनका महत्व है तो इसके कुछ रूल्स हैं पहरा रूल हमारा कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्नीफिकेंट होंगी एग्जाम्पल से आप देख पा रहे हैं टू एट फाइव सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है थ्री और अगर लिखा है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी टू ठीक नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट अगर जीरो किसी जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के पहले लगे हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं यानी कि जीरो पॉइंट ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव में जीरो जो है वो टू से पहले लगा है इसलिए इसे सिग्निफिकेंट नहीं माना गया है ठीक है और वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखें तो इसका प्लेस वैल्यू वन अपॉइंट टेन लिया जाता है लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा Second, जो हमने रूल बताया उसका थ्री में सिग्निफिकेंट तो ये आप समझ गए पहले जीरो लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो जीरो बिटवीन टू नॉन डिजिट जीरो आर सिग्निफिकेंट लेकिन जीरो अगर दो नॉन डिजिट जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है एग्जाम्पल से क्लियर है टू पॉइंट जीरो जीरो फाइव में जो जीरो जीरो है वो टू और फाइव जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में आ रहा है इसलिए इनको काउंट किया जाएगा फोर्थ रूल हमारा कह रहा है सेकेंड लास्ट है ये जीरो एट द एंड और राइट साइड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट जीरो अगर किसी नॉन डिजिट जीरो के बाद में लगा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा 0.200 में हम देख रहे हैं कि जो दो ज़ीरो हैं अब देखो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसके बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं तो देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे लेकिन वो हम लोग इसमें अभी नहीं काउंट करेंगे वो लास्ट रूल में देखेंगे अगर कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया गया है पॉइंट टू जीरो ज़ीरो तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग जितना लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे ठीक है अपने मन से कुछ ऐड नहीं करेंगे ये हम लोग ऐड करके कहें कि वैल्यू तो सेम ही रहेगी तो ऐसा नहीं करना है लास्ट लास्ट रूल हमारा कह रहा है काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे हम एग्जाम्पल लें टू बॉल्स और ट्वेंटी एक्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि डेसिमल लगा कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं ठीक है पॉइंट के बाद हम लोग कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं तो इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कोई पूछेगा तो हम लोग इनफाइनाइट बताएंगे ठीक है तो अगर कोई काउंटिंग नंबर्स दिए गए हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे लेकिन ऊपर वाले जिसके जस्ट ऊपर वाले में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन की अगर हम बात करें तो जो फाइनल रिजल्ट जैसे हमसे कहा गया कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर बताइए तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3.52 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तीन 2.3 में टू हैं और 6.24 में थ्री हैं फिर से तो इसे हम लोग नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे कर लेंगे सिंपल ठीक है अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर बताइए तो इसका आंसर सिर्फ ट्वेल्व हो जाएगा अगर थ्री तक कहता है तो टू पॉइंट जीरो हो जाएगा ठीक है फोर तक कहता है तो ट्वेल्व पॉइंट जीरो सिक्स हो जाएगा और ऐसा ही हम लोग किस में करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो फाइनल रिजल्ट है हमारा शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एट प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर जो लीस्ट ऊपर देखें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर क्या है टू पॉइंट थ्री तो आंसर हम लोग कैसे देंगे ट्वेल्व पॉइंट जीरो में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो अगर वो हमसे ये नहीं कहता है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर थ्री सिग्निफिकेंट तक आंसर दो तो जो लीस्ट होगा उस तक उतने में ही हम लोग आंसर देंगे टू पॉइंट थ्री में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स दो हैं तो हम लोग दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे या हम ये कहें कि डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देंगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी सेम है यहाँ पर हम देखें तो लिस्ट हमारा ज़ीरो पॉइंट जीरो वन वन में कितने हैं पॉइंट के बाद तीन डिजिट तक तो आंसर भी हम लोग वैसे ही देंगे जीरो पॉइंट जीरो टू फोर जैसा आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं और डिवीजन में भी हम लोग सेम करेंगे सिंपल मैथमेटिकल जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करेंगे और जो लीस्ट प्रिसीजन होगा हमारा उसको फॉलो करेंगे और ये जितना भी हम लोग कर रहे हैं इस, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग द रिजल्ट यानी कि लीस्ट प्रिसाइज जो हमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसमें आंसर देना क्या कहलाता है लिमिटिंग द रिजल्ट वाई लिमिटिंग द रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज डन इन द एबो मैथमेटिकल ऑपरेशन कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स अब जब हम लोग लिमिटिंग रिजल्ट कर रहे हैं रिजल्ट को लिमिट कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को घटा रहे होते हैं जो हमारे पास आंसर है उसमें से कुछ नंबर हटा रहे होते हैं तो नंबर्स को हटाने के भी कुछ रूल्स होते हैं सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें तो इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज मोर देन फाइव डिजिट जैसे हम एग्जाम्पल लें वन पॉइंट थ्री एट सिक्स में हमें सपोज करो डेसिमल के सिर्फ दो अंक तक आंसर देना है तो अब हमें सिक्स को हटाना है तो सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है वो फाइव से ज्यादा है तो हम लोग उसकी प्रिसीडिंग डिजिट में एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर वन पॉइंट थ्री नाइन क्यों क्योंकि सिक्स इज ग्रेटर कह रहा है इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज लेस राइट मोस्ट डिजिट जो हटानी है हमें करनी है, है, वो five से छोटी एग्जाम्पल no में देखें तो फोर पॉइंट थ्री थ्री फोर में फोर को रिमूव करना है एंड फोर इज लेस देन फाइव यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ फोर पॉइंट थ्री थ्री नेक्स्ट आता है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज फाइव अगर राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करनी है वो फाइव ही है तो अब हम क्या करेंगे तो फिर हम फाइव से पहले वाली डिजिट देखेंगे अगर फाइव से पहले वाली डिजिट ऑड है देन हम लोग एक अंक बढ़ा देंगे एक नंबर बढ़ा देंगे एग्जाम्पल देखें सिक्स पॉइंट थ्री फाइव में फाइव को रिमूव करना है और उससे पहले वाली डिजिट जो है वो ऑड है तो थ्री को हम लोग फोर कर देंगे बट इफ़ इट इज़ इवेन अगर फाइव रिमूव करना है और फाइव से पहले वाला अंक जो है वो इवन है तब हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते हैं ठीक है जैसे 6.25 में 5 को रिमूव करना है 2 इवन है हमारा तो हम लोग टू को चेंज नहीं करेंगे ठीक है ये कुछ सिंपल रूल से लिमिटिंग द रिजल्ट के इसके बाद नेक्स्ट आता है डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस बेटा अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन के बारे में ही बताएगा आपको और इसको कई नामों से जाना जाता है जैसे फैक्टर लेवल मेथड यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहला कन्वर्ट करते हैं थ्री इंच को सेंटीमीटर में तो हमें पता टू पॉइंट फाइव फोर इंटू थ्री सेवन पॉइंट सिक्स टू तो ये यूनिट कन्वर्जन है हमारा इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं जैसे दो लीटर को कन्वर्ट करना है हमें मीटर क्यूब में तो अब हमें पता है एक लीटर हमारा होता है वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब का तो एक मीटर में हमारा कितना आएगा 100 सौ सेंटीमीटर एक मीटर में हमारा कितना होता है सौ सेंटीमीटर तो एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे सौ गुणे सौ गुणे सौ यानी कि सौ को तीन बार मल्टीप्लाई करें सौ से तो ये हमारा हो जाएगा टेन की पावर सिक्स यानी वन मीटर क्यूब इज टेन की पावर सिक्स सेंटीमीटर क्यूब तो वन सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा वन अपॉन्ट टेंथ वन अपॉइंट टेन टू पावर सिक्स मीटर क्यूब अब इसको हम लोग कन्वर्ट करें अगर थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब से तो टेन टू द पावर थ्री से डिवाइड करेंगे टेन टू द पावर सिक्स को तो आएगा टेन की पावर माइनस थ्री अब चूंकि हमें कन्वर्ट करने को दिया गया था दो लीटर तो दो लीटर हमारा कितना हो जाएगा टू इंटू थाउजेंड सेंटीमीटर टू थाउजेंड सेंटीमीटर इसको अगर हम कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में तो टू थाउजेंड इंटू वन अपॉइन्ट टेन टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब सिंपल यूनिट कन्वर्जन है बेटा इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ आपको एक सेंटीमीटर क्यूब निकाला तो एक हज़ार सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन टू तो द पावर सिक्स इंटू टेंटी पावर थ्री ये हमारा थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब हो गया अब चूंकि हमें दो लीटर का निकालना है तो इसको दो से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा टू इंटू टेंटी पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब आंसर आपका सिंपल आ गया ये थी हमारी डायमेंशनल एनालिसिस सिंपल कैलकुलेशन चल रही है अभी फर्स्ट चैप्टर में हमारा बेसिक मैथ सिखाई जा रही है बेसिक रूल्स बताए जा रहे हैं ठीक है, है? चैप्टर का नाम ही बेसिक्स है इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों का चैप्टर इंपॉर्टेंट शुरू होगा और कुछ फंडामेंटल लॉज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है बेसिकली फाइव हमारे फंडामेंटल लॉज हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक रिवाइज करिए और इसकी प्रैक्टिस शीट हम आपको भेज देंगे ग्रुप पर उसको सॉल्व कर दीजिएगा ठीक है उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपका आगे के लिए बाकी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पर ही पूछ लीजिएगा Thank you.